2024 का चुनाव है, सातवां चरण है गाजीपुर, क्या लग रहा है? इंडिया हम लोग जो यहाँ से अफजाल अंसारी है मैदान में, यहाँ से हैं तो ठीक है, अफजाल हैं, कोई अफजाल को चुनाव जिताएंगे? हाँ, एकदम जिताएंगे। 2 लाख वोटों से, 2 लाख से, 2 लाख से आगे रहेंगे। कौन? अफजाल अंसारी। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं मंगलसूत्र खतरे में आ जाए। अपनी मंगलसूत्र की रक्षा स्वयं नहीं कर सका व्यक्ति, और छोड़ करके जसोदा बेन जी को नंबर वन नहीं चाहते गाजीपुर बन जाए। अरे कौन कौन सा जिला नंबर वन पर करेंगे, सारे जिले को तो कहते हैं नंबर वन। साल से भरोसे ही कर रहे हैं, कुछ काम हुआ है, विकास हुआ है, रोजगार मिला है कि नहीं? काहे न हुआ, सिलेंडर 400 से 1100 रुपया पहुंच गया, प्रगति है ना है। अरे आप बार बार दूसरे के ऊपर काहे चढ़ा दे रहे हैं, आप भी बोलिए ना। भाजपा ही होंगे इसलिए नहीं बोल रहे हैं सर, ये भाजपा ही होंगे, हो सकता है सर। संविधान खतरे में, सरकार को भगा दीजिए, भगा दे, सरकार रहेगी तो संविधान खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि सरकारी जॉब लग जाएगा आपको? उम्मीद तो इस सरकार में नहीं है। नमस्कार आदाब, इस वक्त हम गाजीपुर में हैं। हाँ बिल्कुल वही गाजीपुर जहाँ से उत्तर प्रदेश का आखिरी छोर है, और यहीं से सातवें चरण का समाप्ति होगा, फिर 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। कल मोदी जी यहीं पर आएंगे और दहाड़ेंगे, बोलेंगे, गाजीपुर के जनता को संबोधित करेंगे। 2024 का चुनाव है, सातवां चरण है गाजीपुर, क्या लग रहा है जी? 1 तारीख को करेगी जनता मतदान, मोदी जी आएंगे कल यहीं पर दहाड़े। हाँ, आने वाले हैं मोदी जी। हाँ जी, भाषण में तो बहुत कुछ देंगे आप लोगों को यहाँ पर। भाषण तो उनका 10 साल से जनता सुन रही है जी। 2 करोड़ रोजगार, वो तो जनता देख रही है कि 2 करोड़ रोजगार का भाषण, 15 लाख का भाषण, और इस समय पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश की जितनी लोकसभाओं में जा रहे हैं प्रचार करने, सबको 1 नंबर का बना रहे हैं। आजमगढ़ को 1 नंबर बोल कर गए हैं भाई, जौनपुर को भी तो बोले हैं 1 नंबर, आखिर किसको 1 नंबर बनाएंगे? नंबर 1 होगा कौन? तो अगर कल आके आपके गाजीपुर को कह गए 1 नंबर बनाएंगे तो क्या होगा? गाजीपुर तो हमेशा से 1 नंबर रहा है। आप लोग विपक्ष में काहे वोट करते हैं, हम नहीं समझ पा रहे। अरे हम लोग थोड़ी करते हैं, यह क्रांतिकारियों की धरती रही, अंग्रेजों के जमाने में अपने को स्वतंत्र कर लिया इसने, शहीदी धरती गाजीपुर है, क्रांतिकारी धरती। आप पूरे भारत के नक्शे को उठा के देखिए, अभी सेना में जितने जवान है 80% गाजीपुर के लोग भर्ती होने की तैयारी करते हैं, जान जोखिम में डालने का बात। 4 साल हो गया है अग्निवीर। अरे सर 4 साल हो गया कि अब जो अंतिम चरण चल रहा है, और गाजीपुर के नौजवान कफन बांध लिया है सर पर। कफन बांध लिए जी, क्या हाल चाल है? आप क्या सोच रहे हैं सर? आप तो वही बोले हैं कि कुर्सियां वाले कहते हैं 400 वोटवा बेचते हैं कुर्सियां 300-150 को, 140 को बेच देते हैं, 4 महीने जब जुड़ जाती हैं तो। तो मोदी जी का 400 का नारा है, खाली 400 नारा, 400 पहिए वोटवा, 140-150। कल आएंगे मोदी जी, आए दीजिए, आकर क्या कर लेंगे? अरे जनता को संबोधित करेंगे। आए तो 10 साल से कुछ नहीं किए, वादा 50 करके गए कि कांग्रेस समाजवादी आ जाए, गाय कटेंगे, आपको ये पता है? क्या करेंगे, गाय तो खुद ही मालिक पैसा लिए हैं गाय कटवाने वाले से। कौन लिए? अरे मोदी जी की सरकार ली है, खुद ही पैसा लिया है, दूसरे को क्या जालिम फंसा है। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम बिरजाचा सिंह कुशवाहा है। कुशवाहा कहाँ, मतलब आप समाजवादी चक्कर में फंस गए? समाजवादी नहीं सर, ये हमको सच्चाई रोकना की कौन आएगा तो हमारा भलाई होगा। कहे मोदी जी भला नहीं कर रहे हैं? तो दाल पहुंचा दिया कि थाली में पड़ना बड़ा मुश्किल है, हर थालियों में दाल पड़ना हर की मुश्किल हो गई। लेकिन मंगलसूत्र खतरे में हो जाएगी आपके, तब बताइए आप सर। मोदी जी कह रहे हैं मंगलसूत्र खतरे में आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। अरे सर अपनी मंगलसूत्र की रक्षा स्वयं नहीं कर सका व्यक्ति, और छोड़ करके जसोदा बेन जी को और धोखा दे दिया, तो दुनिया को धोखा देना ही काम है। मोदी जी कल आएंगे, यही भाषण देंगे, बोलेंगे नंबर वन बनाएंगे आपके गाजीपुर। वो तो 10 साल से कह रहे हैं, 10-20 साल से, जब से यहाँ उन प्रधानमंत्री हुए हैं तब से कह रहे हैं नंबर वन नहीं चाहते गाजीपुर बन जाए। अरे कौन कौन सा जिला नंबर वन पर करेंगे, सारे जिले को तो कहते हैं नंबर वन बनाएंगे। हाँ। किसको एक स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय दिए तो योगी जी मुख्यमंत्री बने तो गोरखपुर लेकर चले गए, काम खत्म हो गया, यहाँ मिनी स्टेडियम कर दिए। अरे लेकिन बाहुबली को जिताओगे आप? अरे बाहुबली नहीं है वो, ठीक है, कौन सा नेता बाहुबली नहीं है? हम गरीबों को कोई जिता देगा? देंगे वोट आप? नहीं देंगे, ये गरीब है इनको देंगे? नहीं देंगे। हाँ तो इस बार अफजाल अंसारी यहाँ से, क्या लग रहा है गाजीपुर में इस बार? ठीक लग रहा है, माहौल बन गया है, माहौल एकदम। किसका? अफजाल अंसारी। अब जे ही आ जाए। मोदी जी कल आएंगे यहाँ पर? आना जाना तो काम है, भरोसा होगा उनके बयान का?
आज तक भरोसे न होता 10 साल से। 10 साल से भरोसे कर रहे हैं। कुछ काम हुआ है, विकास हुआ है, रोजगार मिला है कि नहीं? काहे न हुआ, सिलेंडर 400 से 1100 रुपया पहुंच गया, प्रगति न है, विकास है ना। यही दाल 70-80 रुपया किलो थे, 200 रुपया किलो पहुंच गया थे, प्रगति है ना है। गरीबों का विकास ही ना हो रहा है। अच्छा, ये विकास है और का? इसको विकास कहेंगे भाई साहब, आप बताइए। जो बोल रहे हैं भैया अपने अनुमान से अच्छे बोल रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं भाई, इस बार गाजीपुर के लोग क्या सोच रहे हैं ये बताइए। मोदी जो आ रहे हैं रोजगार पे क्या बोले, रोजगार कितना दिए, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए थे, कितना रोजगार दिए हैं? और जो 60 साल के जो भर्ती होती थी सेना में उसको 4 साल कर दिए। वही तो अच्छी बात है ना, आप घर जल्दी वापस आ जाएंगे। वो जल्दी आके क्या करेंगे, जल्दी आके 4 साल की नौकरी, अभी लड़का भर्ती होगा, भर्ती होने के बाद उसका शादी भी नहीं होगा, तब तक रिटायरमेंट के बाद लड़का रिटायर लड़के की शादी होगी, ये तो कोई बात हुई नहीं। बदलाव करने जा रहे हैं आप? एकदम कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन है हम लोग साथ हैं। इंडिया गठबंधन क्यों? हाँ एकदम इंडिया, हम लोग जो यहाँ से अफजाल अंसारी हैं मैदान में, यहाँ से हैं तो ठीक है, अफजाल हैं, कोई अफजाल को चुनाव जिताएंगे। हाँ एकदम जिताएंगे। तो चाचा आप भी सोच लिए हैं? आप तो प्लान बना लिए हैं सर, एकदम 99% जीत भी रहे हैं, 2 लाख वोट से आगे हैं। 2 लाख वोटों से? 2 लाख से आगे रहेंगे। कौन? अफजाल अंसारी? हाँ। 2 लाख वोटों से गठबंधन सरकार है, इस बार गठबंधन सरकार है, सबको 2 लाख वोट कम भी नहीं। हाँ कम नहीं, कुर्सिया वाली बात तो एक बार दोहराई दी, कई बार दोहरावे सर। 4 साल में जो बच्चा रिटायर हो जाएगा, तो हम चाहते हैं कि संसद में भी जो है अग्निवीर योजना 4 महीने के लिए लगा दी जाए। और यह जो है जितने सांसद चुने जा रहे हैं, पहले तो इन सबका TADA खत्म कर दिया जाए, जनता की सेवा करें। जिस तरह से बिना पेंशन के नौकरी दे रहे हैं, ये भी पेंशन विहीन हो जाए। सरकार का जितना करोड़ों रुपया ये सब संसद में बैठ करके पास करके खा रहे हैं, उसका हिसाब कोई देता है? किसी दल के सांसद हो, मैं एक दल की बात नहीं करता, किसी की भी हो, हाँ किसी दल के सांसद हो, 545 अपने में मिल करके जो है बांट लेते हैं। हाँ। करोड़ों रुपया बढ़ा लेंगे, 2 करोड़ 1 करोड़ से 5 करोड़ कर दिए अपनी सांसद निधि, विधायक निधि 3 करोड़ हो गई, और जो है इनको बढ़ाने के लिए कोई नहीं है, पैसा कम नहीं है, और जो गरीब है, नौजवान है, रोजगार पे अग्निवीर की तैयारी नौकरी कर रहे हैं, जो नए किसी भी विभाग में भर्ती हो रही है, वो पेंशन नहीं मिलेगा उनको, क्यों नहीं मिलेगा, बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? और जो अग्निवीर की आप बात कर रहे हैं, अग्निवीर योजना गलत फ्लॉप योजना है, 4 महीने सेना की ट्रेनिंग करके जो आएगा और वो बेरोजगार हो जाएगा, यदि वो अपराधी बनेगा तो उसको कैसे पकड़ पाएंगे, वो तो पूरा सरकार द्वारा ट्रेंड अपराधी का बनेगा। योगी जी की सरकार है, ठाए योगी की सरकार नहीं, किसी की सरकार हो। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, क्या हुआ सुनिए, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी, ये गुंडों की सरकार बन गई है। गुंडा कैसे बन गई सरकार? हा? जितने गुंडे जा रहे हैं सब सपा चट धुल के साफ हो जा रहे हैं। तो क्या मुख्तार अंसारी अगर शामिल हो जाते तो? हाँ, वो भी साफ हो जाते, एकदम व्हाइट दूध के धुले हो जाते, दूध के धुले हो जाते, सब गुंडे किसी के नहीं होते हैं, चाहे किसी दल में हो। ये गुंडे थे मुख्तार अंसारी, वो कहते हैं, हम लोग थोड़ी कहते हैं गुंडा है। अच्छा आप लोग नहीं कहते हैं? मुख्तार अंसारी गुंडा थे? नहीं, गुंडा नहीं थे। हाँ फिर क्या थे? वो गरीबों का मसीहा थे मुख्तार अंसारी। और मुख्तार अंसारी मसीहा थे चाचा? मसीहा थे, गरीबों का इसे मसीहा आप लोग कहते हैं भाई? अरे भाई जनता के लिए हर काम करते थे, उनके दुख को सुनते थे, उनकी शादी ब्याह करवाते थे। मुख्तार अंसारी जी? हाँ। वो तो जेल में रहे, जेल से क्या मतलब, उनका भाई है, उनका पूरा परिवार लपटा था ना, अभी लाभ पाए हो खाली ऐसे ही चाहे जाए? साफ लाभ मिला है आपको भी? हाँ। क्या मिला? हमारे खेत में रैंडम गाला जा था जबरदस्ती, अब उनसे कहे तो क्या गाला जा रहा था? रैंडम का बिजली का तार। अच्छा, बिजली का तार। हाँ, हाँ। उनसे कहे तो एक तरफ हो गया, वो सरकार जो आई थी ये भाजपा की सरकार थी, पैसा हाँ। भी नहीं थी। अच्छा। तो मुख्तार अंसारी के माध्यम से जो इंजीनियर से मिले, हमारा पैसा पेमेंट हुआ। अच्छा, पैसा भी नहीं मिला था, मतलब मुख्तार अंसारी के परिवार ने इंसाफ दिलाया? हाँ दिलवाया, तो दादा को गरीब आदमी 1.5 बीघा का चक्का, बगल में 20 बीघा का चक्का है इनका। हाँ। उसमें क्यों नहीं गाड़ा गया? हाँ। आज तुम गरीब आदमी के पीछे खेत में गाड़ रहे हो। तो जैसे आप पहुंचे चक्कर से, मतलब भैया हाथ गोड़ जोड़े, तुरंत जो इंजीनियर था बलिया का, उसे चापे चुपे गले एक तरफ करो, जब नहीं हट रहा है भाई नापी कर दिए, खम्भा गाड़ दिए, तो एक तरफ करो, एक तरफ किए, अगल बगल वाले आज भी पैसा, मतलब मुख्तार अंसारी का परिवार तुरंत खड़ा रहता था यहाँ के लोगों के लिए। हाँ भैया एकदम, वहाँ के मुख्तार, मैं टीचर हूँ। हाँ। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा। अच्छा, टीचर हैं जी? अच्छा प्राइवेट में पढ़ाते हैं। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हैं? वहाँ के मुहम्मदाबाद के बहुत से टीचर थे जो पंडित थे, ठाकुर थे, राय थे, वो लोग भी कहते थे कि ये गरीबों के लिए मसीहा है। अच्छा, किसी भी कास्ट के सब लोग कहते थे कि ये गुंडों के लिए गुंडा है, ये जो गरीबों के लिए मसीहा है।
ठीक है। अच्छा ये भी तो कहते थे कि बाहुबली हम तभी बने जब हमारे साथ हजारों बाहें जुड़ गई, तभी तो हम बाहुबली बने, ऐसा बोलते थे मुख्तार अंसारी। वो बाहुबली गरीबों का जो मसीहा थे उसके वजह से कहते थे। अच्छा तो मतलब उनका, जैसे मुख्तार अंसारी अब नहीं रहे और उनका परिवार उनको शहीद लिखता है, आप लोग भी मानते हैं कुछ ऐसा? हाँ वो एक तरह से क्रांतिकारी थे, वो क्रांतिकारी परिवार से थे। तो आप भी शहीद मानते हैं उनको? हाँ शहीद मानते हैं। हाँ भाई साहब जो कह रहे हैं अच्छा कह रहे हैं। अरे आप बार बार दूसरे के ऊपर काहे चढ़ा दे रहे हैं, आप भी बोलिए ना। क्या कर रहे हैं चाचा? वाजपेयी होंगे इसलिए नहीं बोल रहे हैं सर। ये वाजपेयी होंगे, हो सकता है सर वाजपेयी है क्या? अब भाई ऐसा वो कह रहे हैं दादा, तो वो जान रहे, हम तो हम अपनी बात जान रहे हैं ना। क्या लग रहा है आपको?